जबलपुर में पति पत्नी के आपसी विवाद के कारण रोजाना पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थित परिवार परामर्श केंद्र में बड़ी संख्या में दंपत्ति अपनी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इस दौरान परिवार परामर्श केंद्र के सलाहकार अंशुमान शुक्ला ने कहा कि पति पत्नी के बीच रोजाना हो रही विवादों की मुख्य वजह आर्थिक तंगी और लड़की के मायके पक्ष के लोगों के द्वारा उसके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करना और लड़की को अपने घर पर रखना मुख्य वजह बताई जा रही है, जिससे वैवाहिक जीवन पर असर पड़ता है। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र वर्ष 1995 से पारिवारिक विवादों का समाधान सामुदायिक पुलिस प्रणाली के आधार पर कर रहा है। 48,141 मामलों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। इस वर्ष 2047 मामले हमारे सामने आए हैं। प्रत्येक मामले का विवरण रखा जाता है, समाधान का प्रयास किया जाता है। इस वर्ष आर्थिक समस्या से जूझता परिवार सामने आया है और सबसे बड़ी समस्या ये आई है, लगभग 42% पतियों के आवेदन पत्र आए हैं, उनमें एक ही विषय है कि अगर हमारी पत्नी आत्महत्या कर ले तो हमारे खिलाफ़ कार्रवाई न की जाए। हमको ऐसा कोई कागज़ बना दिया जाए कि हमारी पत्नी अगर आत्महत्या करे तो हमारे परिवार वालों को परेशान न किया जाए। ये गंभीर विषय है, जटिल समस्याएं हैं, इनका समाधान समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सबको मिलजुल कर करना पड़ेगा। यदि इसी प्रकार परिवार परामर्श केंद्र में प्रकरण बढ़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग विवाह की संस्था में जाने से डरने लगेंगे, शादी ब्याह से ही बचने लगेंगे।